हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज भी हमारे पास एक से बढ़कर एक एनिमे अपडेट्स है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि आज बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है। क्या है आज, आपको पता है? नहीं पता, चलिए ठीक है, हम लोग खुद अजय देवगन सर से पूछते हैं कि आज क्या है। सर बताइए तो आज क्या है। उस दिन तो मैं अपने परिवार के साथ पुणे गया था, नितिन वर्मा द एनिमेटर के यहाँ पर बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। हाँ, क्योंकि 21 नवंबर को क्या था, नितिन वर्मा का बर्थडे। जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, आज है नितिन वर्मा द एनिमेटर का जन्मदिन। आज के ही दिन नितिन वर्मा द एनिमेटर, द महान नंबर वन एनिमेटर आज पैदा हुए थे। तो जाइए गाइज उनके यूट्यूब चैनल पर और उनके लेटेस्ट वीडियो पर यार कमेंट कीजिए हैप्पी बर्थडे ब्रदर या हैप्पी बर्थडे नितिन ब्रो, या जो भी आपको यार कमेंट करना है आप कीजिए। और आज का उनका यार स्पेशल जो दिन है जन्मदिन, वो और भी यादगार बना दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला अपडेट है अटैक ऑन टाइटन से लेकर। तो अटैक ऑन टाइटन के जो क्रिएटर हैं और जो उनके वॉइस एक्टर है एरन के, उन्होंने एक प्लांट लगाया है हीटा में, जापान के अंदर, जो कि बहुत बढ़िया बात है। हमारा अगला अपडेट है मेगन दी स्टालियन से लेकर। तो इनका यार हाल ही में इंटरव्यू हुआ था, जहां पर इन्होंने रैंकिंग में माय हीरो एकेडमिया जुजुत्सु काइसेन से पहले रखा है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या माय हीरो एकेडमिया जुजुत्सु काइसेन से अच्छा एनिमे है या उससे कम अच्छा एनिमे है, कमेंट में जरूर बताना। हमारा अगला अपडेट भी माय हीरो एकेडमिया से ही लेकर है। तो माय हीरो एकेडमिया सीजन 3 में एक न्यू कैरेक्टर का यार एंट्री हुआ है, जिसका नाम है सिंडो, जिसको हिंदी में वॉइस दिया है राजेश शुक्ला सर ने। और आपको बताना चाहूंगा कि कार्टून नेटवर्क इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है टीवी पर कि माय हीरो एकेडमिया की मूवी आने वाली है, और जो वो मूवी आने वाली है उसका नाम है माय हीरो एकेडमिया टू हीरोज। और ये मूवी शायद आपको दिसंबर में देखने को मिल सकती है, मतलब कि अगले महीना। और जो इसका यार कार्टून नेटवर्क इंडिया ने प्रमोशन किया, ये तो भाई नेक्स्ट लेवल का था। मतलब इज़ुको मिडोरिया खुद बताता है ऑल माइट को कि कार्टून नेटवर्क पर मूवी आने वाली है। और जो ये सीन दिखाया जाता है हमें प्रमोशन वाला, ये दिखाया जाता है एपिसोड नंबर 20 में सीजन 3 का। हमारा अगला अपडेट है वन पीस हिंदी डब से। तो इससे रिलेटेड ज़्यादा तो यार जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो हमारे यार लीकर है, जो अपडेटर है, जो कि लीक्स देते हैं, उन्होंने अपने स्टोरी पर डाला था वन पीस का फोटो डालकर, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। तो इस बात से अब क्या अंदाज़ा लगाया यार, मुझे नहीं पता। मे बी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत जल्दी प्रोमो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब नवंबर यार ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है और नवंबर में ही प्रोमो आने वाला था। तो कुछ और दिन वेट कर लेते हैं, क्या पता कुछ यार अच्छी न्यूज़ जानने को मिल जाए। हमारा नेक्स्ट अपडेट है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसका यार फाइनल वर्ल्ड कप हुआ था, जहां पर जो इंडिया है वो हार गए, वो भी बुरी तरह। तो इसी से रिलेटेड मैंने अपने इंस्टा पर यार उस दिन पोल डाला था, परसों शाम को 6 बजे अपने इंस्टा पर, कि क्या लगता है कौन मैच जीतेगा, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया। और 63% लोगों ने इंडिया कहा था और 37% लोगों ने ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यार मतलब स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि यार इंडिया जीत जाएगी, लेकिन यार बहुत यार बुरा लग रहा है। परसों के दिन तो यार सुबह से लेकर रात तक मैं सिर्फ मैच ही देख रहा था, लेकिन यार बहुत यार मतलब रात में ख़राब लगा कि यार ये कैसे हो गया, मतलब यार दिल एकदम बुरी तरह से टूट गया था। और जितने भी यार इंडियन क्रिकेटर्स हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी बहुत सारे प्लेयर्स, सारे यार इमोशनल हो गए थे। और ऑस्ट्रेलिया ने यार ये 6 टाइम वर्ल्ड कप जीता है, पर चलो कोई नहीं यार, नेक्स्ट टाइम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। हमारा नेक्स्ट अपडेट है लूफी के गियर 5 से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मांगा में और एनिमे में गियर 5 तो आ चुका है लूफी का, तो किसी ने लाइव एक्शन बनाया है गियर 5 का, और यार वो काफ़ी यार बढ़िया बनाया है, लोगों को काफ़ी यार वो पसंद आ रहा है। हमारा अगला अपडेट है अटैक ऑन टाइटन से लेकर। तो अटैक ऑन टाइटन का एक अल्टरनेटिव एंडिंग निकलने वाला है, जो कि आएगा 2024 में। और अब बात करते हैं माई एनिमे लिस्ट और एनी लिस्ट के मोस्ट 3 रैंक्ड एनिमे के बारे में, कि कौन से एनिमे कैरेक्टर्स को ये सब पोजीशन दिया गया है।
तो फर्स्ट नंबर में यार पोजीशन दिया गया है जुजुत्सु काइसेन के सातारू गोजो को। सेकेंड नंबर का पोजीशन दिया गया है अटैक ऑन टाइटन के लेवी को। थर्ड नंबर का पोजीशन दिया गया है वन पीस के मंकी डी लूफी को। हमारा अगला अपडेट है जुजुत्सु काइसेन से लेकर इसके लेटेस्ट एपिसोड से लेकर जो कि सुकुना वर्सेज माहो रागा का हुआ था। तो आपको बताना चाहूंगा कि इस एपिसोड को आईएमडीबी पर 9.9 की रेटिंग मिली है, जबकि ये एपिसोड सिर्फ 30% ही कंप्लीट था फिर भी, जो कि यार अपने आप में एक बड़ी बात है। हमारा अगला अपडेट है डिटेक्टिव कोनन से लेकर। तो आपको बताना चाहूंगा कि वीकडेज के यार टाइमिंग भी अब चेंज हो चुके हैं और वीकडेज का जो टाइमिंग है वो है 1 बजे से लेकर 2 बजे तक और रात का 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। और अब बात करते हैं उस अपडेट के बारे में जिसके लिए आप सब इस वीडियो पर आए हो। तो नारुतो शिपुडेन के बारे में मुझे एक यार जानकारी मिली है जो कि यार बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही जानकारी है, लेकिन मुझे लगा कि शायद आपको बता देना चाहिए। तो क्या नारुतो शिपुडेन के अंदर नारुतो की हिंदी वॉइस चेंज होने वाली है? क्योंकि कल जिराया के हिंदी वॉइस एक्टर दमनदीप सिंह बगन ने अपने इंस्टा पर एक फोटो डाला जिराया का और कैप्शन में लिखा, हेलो टू ऑल नारुतो एंड एनिमे फैंस, डू यू नो द मेमोरेबल कैरेक्टर जिराया फ्रॉम नारुतो शिपुडेन? वेल, यू आर लुकिंग एट द वेरी पर्सन हु वॉइसिंग हिम इन हिंदी। और इस पोस्ट पर मणिकांत सोरबोय ने कमेंट किया, जिन्होंने नारुतो में गारा और शिकामारू को डब किया है हिंदी में। उन्होंने कमेंट किया, जिराया सेंसेई। तो दमनदीप सिंह बगन जो कि जिराया के हिंदी वॉइस एक्टर है, उन्होंने रिप्लाई किया, मेरे नारुतो। तो यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने मेरे नारुतो क्यों कहा। क्या नारुतो का वॉइस चेंज हो जाएगा नारुतो शिपुडेन में? क्योंकि अगर यार उनको अगर कमेंट भी करना होता तो वो ये करते, मेरे गारा या मेरे शिकामारू, उन्होंने किया है मेरे नारुतो। तो शायद मुझे लग रहा है कि मे बी वॉइस चेंज हो गया और शायद नारुतो को मणिकांत सोरबोय डब कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर, मुझे ऐसा लग रहा है इस कमेंट की वजह से। आपको क्या लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या मैं गलत हूँ? और मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि यार मणिकांत सोरबोय ने वहाँ पर एक GIF भी भेजा था जहाँ पर जिराया और नारुतो एक साथ हैं। तो शायद से यार नारुतो को अब मे बी मणिकांत सोरबोय डब कर रहे होंगे शिपुडेन में, क्योंकि उसमें नारुतो अडल्ट हो जाता है। आई एम नॉट 100% सी, और मैं सिर्फ एक यार अनुमान लगा रहा हूँ जो जो चीज़ें हुई हैं उस हिसाब से। अब वॉइस चेंज हुआ है या नहीं हुआ है वो तो अब नारुतो शिपुडेन हिंदी डब आने के बाद ही पता चलेगा। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।